जो दुनिया का उभरता हुआ सूरज नहीं देख सकता, तो वो अपना उभरता हुआ सूरज कैसे देखेगा। तो मैंने एक अपने दिमाग में ये खाका बना लिया था कि सूरज को उभरते हुए मैंने देखना है। अभी जो लॉकडाउन की हमारी छुट्टियां जो यानी पड़ी, तो यकीन करें व्हाट्सएप पर जब मैंने स्टेटस देखे तो बच्चे जो है ना डांस कर रहे थे। पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल एक शिकार में है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास नौकरीज़ नहीं है। हमारी कौम जो है ना सर, वो एक नौकरियों के, एक तो हमारी कौम नौकर बन गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनऑफिशियल एफ ए टी वी और मैं हूँ आपका होस्ट शफकत अली चाचा। हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की ऐसी शख्सियात से, ऐसी मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ के से जो ना सिर्फ अपने लिए, जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल कुरैशी साहब, खुद सखर आईबीए में स्कॉलरशिप पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ गरीब बच्चों के लिए काम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर फॉर योर अप्रोचिंग टू मी। सबसे पहले तो ये बात है कि देखें ज़िंदगी में जो है ना, हम जो भी मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं यानी इंसान करता जाता है, मुख्तलिफ किस्म के इंसान के जो स्टेप्स होते हैं यानी वो कामयाबी के साथ इंसान जो है वो डिलीवर करता जाता है और चलता जाता है। माल ने इतना कदम दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम दिया है। मैं सर के साथ जो काम कर रहा हूँ, मुझे तो पहले बहुत मुश्किल लगा। मैंने कहा ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमें इनके साथ हम कैसे काम करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो हमारे बच्चे ज़ीरो से आए, हमने ऐसे शुरू किया कि वो हीरो बन जाए। हमने काफ़ी मेहनत की है, इन टीचर्स की मेहनत है, सर इस्माइल की मेहनत है। सर इस्माइल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी पहले भी कोशिश की है, जब से सर इस्माइल आए तब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है इस स्कूल में। और स्कूल में टीचर्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, स्कूल के हमारे जो कॉलेज हैं वो भी अच्छे हैं माशाल्लाह से। स्ट्रगल की अपनी लाइफ में कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ना सिर्फ आप पहुँचे हैं लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए भी एक जरिए माश बने हुए हैं। वजह क्या है कि यानी हमने स्ट्रगल को यानी अपनी कंटिन्यू रखा, लेकिन अल्लाह ने इतनी मदद की कि आसानियाँ पैदा होती चली गई। कि हमारा इदारा जो है यानी मेरा जो अपना इदारा है, इसमें यानी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, यानी कोई उनसे फीस चार्जेस नहीं होंगी। इसी साल जो है अपना स्कूल जो है यानी इसको इंट्रोड्यूस कराया, लॉन्च किया और इस स्कूल पर अभी काम शुरू है माशाल्लाह। बच्चों को जो है यानी इस तरह से हम काम कर रहे हैं और सारा जो है यानी इस तरह से। आप ऑडियंस को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं तो यही देना चाहूँगा कि देखें हमारी जनरेशन जो है ना सर, बहुत ही, एक तो हमारी कौम नौकर बन गई है। जब वो पढ़ रहे होते हैं उनका एक ही दिमाग होता है, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब तक हमारी कौम का ये ख्याल होगा ना कि हम नौकरियां करेंगे, नौकर बनेंगे, तो तब तक ये तरक्कियां नहीं आ सकती। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी ना, तो मैं नहीं मानता कि हमारी कौम बदल जाएगी। तो लास्ट में क्या मैसेज है उनके लिए? हमारे दिमाग में एक एटीट्यूड पैदा होना चाहिए, हाँ हम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। हम पहले ही हार मान जाते हैं, मैं नहीं कर सकता। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, काम काम और काम। क्या उन्होंने कहा कि काम आराम और फिर काम? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला कहा, काम काम और काम। दैट इज द रीजन।